आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 10 जुलाई और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई देखो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीज़ों को हम जो करंट से रिलेट करते हैं चलेंगे, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से। तो ये हाल ही में भाषण देते हुए किस देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई है? ए जापान, बी हमारा मालदीव, सी हमारा श्रीलंका और डी हमारा पाकिस्तान। तो इसमें भाई जापान इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं राउटर्स ने कवर किया हुआ है, इंडियन टुडे और डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़ पेपर इन्होंने भी। तो ये सिंजो अबे जापान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, तो ये जो इन जो कैंपेन स्टॉप सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से जो ठीक है, जो फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर सिंजो अबे डाइज आफ्टर द बींग द सूट, इस तरह से सारे देखो। तो ये हैं, तो सबसे पहले देखो 21 सितंबर को 1954 में इनका बर्थ हुआ और 8 जुलाई 2022 को इनकी जो वो एक्सपायर कर गए। तो देखते हैं क्या आज है, जो ये है 8 तारीख की बात है, सुबह जो 8:30 बजे सिंजो अबे भीतर की जो वेस्ट जापान के अंदर जो एक चुनावी सभा को जो संबोधित कर रहे थे, क्योंकि रविवार को वहां पे जो अभी संडे को जो है आज वहां पे उस सदन के चुनाव होने वाले हैं। अचानक भीड़ में एक पत्रकार रूपी दर्शक ने जो कैमरे रूपी बंदूक से जो बंदूक की तरह दिख रही थी उसमें जो सिंजो अबे पे जो गोलियां चलाई, गोलियां चला दी और गोलियां पीछे से चल रही थी, पीछे से जो घायल हो गए। फिर इनको हट का भी दौरा पड़ा। फिर जो 67 वर्षीय सिंजो अबे की मृत्यु हो गई। व्यक्ति ने खुद को जो गन बनाई थी ये बताया जा रहा है, जो व्यक्ति है इसने जो खुद जो गन अपने आप ही बनाई थी, ये जो देखो ये दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें। तो 2014 में सबसे पहले जो है पीएम आए थे, जो 2014 में भारत की ओर से गणतंत्र परेड में आए थे, इससे पहले 2014 से पहले कोई भी जो है जापान का प्रधानमंत्री भारत नहीं आया था। तो ये देख सकते हैं, और सिंजो अबे सबसे ज़्यादा जो 9 साल तक जापान के पीएम रहे, 21 सितंबर टोक्यो में जो जन्म हुआ इनका, जो साइक्रो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, तो राजनीतिवादे वाले जो कुंभ स्टील के में काम किया, पहली बार जो सांसद बने, पीएम जो जूनियर जो कोमजियो की जो कैबिनेट मंत्री में बने, दूसरी बार विश्व युद्ध के बाद जो जापान में सबसे जो युवा पीएम बने, खराब हालत सेहत के चलते जो इस्तीफा दिया, इस आबे की जो दूसरी बार जापान के प्रधानमंत्री बने, फिर जो जापान के पद से जो चुनाव चुने गए, फिर चौथी बार जो पीएम बने और खराब सेहत के चलते जो पीएम से इस्तीफा दिया। सिंजो अबे के जो पिता जापान के पूर्व विदेश मंत्री जो शिंतारे आबे थे और आबे के जो नोसुके किसी जो जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं भारत के इससे इनसे जो काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। यह तस्वीर 2015 की सिंजो अबे की तीसरी भारत यात्रा की है, जब सिंजो अबे जो नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिले थे। तो ये सारे देख सकते हैं, इनसे काफ़ी उसमें, और 2021 में पद्म भूषण भी दिया गया है। पद्म विभूषण जो भारत का जो सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, और ये सारे अपने 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 ट्वीट में इन्होंने दिया है सब ने भाई, देश क्या विदेश से सभी ने कि इनकी जो मौत पर शोक व्यक्त किया है। जिस तरह से जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो अबे के शुक्रवार को एक चुनावी भाषण में जो दौरान 41 वर्ष की एक व्यक्ति ने गोली मारकर जो मौत हो गई, इनकी जो जापान के जो सबसे लंबे समय से सेवा करने वाले नेता आबे के पश्चिमी जापान के नारा में जो संसदीय चुनाव को प्रचार करते हुए गोली लगने से बाद जो है गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले जो एक कॉन्फ्रेंस में जापानी पीएम जो फुमियो किशिदो ने आबे की जो स्थिति की पुष्टि की और उनसे कहा कि डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आबे ने भाषण में कुछ ही मिनटों पीछे गोली मार दी थी। उन्हें जो आपातकालीन उपचार के बाद जो एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे सांस नहीं चल रही थी, उनका दिल रुक गया था, बाद में जो उसको मृत घोषित कर दिया उनको। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, ये हमारा जो क्वेश्चन बनता है, डेरोज तूफान हाल ही में चर्चा में है, ये किस देश के जो आसमान में जो हरा कर दिया इसने, जो ए हमारा अमेरिका को, बी हमारा जो रूस को, सी हमारा चीन को, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देख सकते हैं वाई द स्काई टर्न द ग्रीन इन द यूएस स्टेट। तो ये है, ये सारी चीज़ें हैं। तूफान में जो गोला घूम भाई जो तूफान जो है ये गोल गोल घूमता है, ये तूफान गोल गोल नहीं, इसे घूमने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। अमेरिका जो डोरोज तूफान आया जिसने जो आसमान में रंगीन कर दिया है, यह हरा रंग आसमान में दिखाई देता है,
जैसे देख रहे हैं ना, तो ये नॉर्मली ऐसा नहीं दिखता। नॉर्मल जो तूफान है गोल गोल जो स्प्रिंग मेवे में घूमता है, लेकिन जो अमेरिका का तूफान है सीधी लाइन में चलता है, एक ऐसे लाइन में चलेगा ऐसे ऐसे, और ये नहीं तो ऐसे राउंड राउंड वो घूमेगा। इसे जो डैरूज कहते हैं, ये सामान्यतः मई के अंत में आता है या सीधा चलता है, जो सर्कुलर में नहीं घूमता, जून या जुलाई में आता है। डैरूज जो स्पेनिश जो शब्द है जिसका जो अर्थ जो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होता है, जो स्ट्रेट मतलब सीधा चलना है, इसका जो स्पेनिश वर्ड का भी इसका यही मीनिंग होता है। इक्वेटर के पास जो लो प्रेशर होगा, ये जो है इक्वेटर के पास देखो समझ लेते हैं इसको, क्योंकि जो हवाएं ऊपर जो उठकर चली जाती हैं सूर्य के ताप के कारण हवाएं ऊपर उठेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान के साथ साथ जब बिजली भी इसमें जो कड़कती है, जो आइनाज एयर जो आइने जो एयर होगी वो जब जो निकलती है तो जिससे पूरा तरह से जो हरा कलर निकलता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन को पूरा कवर करेगा, क्या है क्या नहीं। भाई अमेरिका के जो नेब्रस का जो मिनेसोटा में इलिनॉइस जो राज्य मंगलवार को डेरोच नामक का तूफान प्रणाली की चपेट में आ गया। जैसे ही तूफान आया लगभग जो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बिजली की लाइनें टूट गई और जो पेड़ धराशायी हो गए। जैसे ही तूफान आया तो आसमान को जो हरा भरा कर दिया, यहाँ तक कि जो अनुभवी जो तूफान चेंजर ने दावा किया कि इस तरह की जो वायुमंडलीय प्रकाश से कभी नहीं दिखा वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस रोहिणी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, 2017, 2019, 2020, 2022? तो इसमें जो हमारा 2017 में की गई थी, बिजनेस स्टैंडर्ड, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इनकी जो डिफरेंट न्यूज, द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, अंडरस्टैंडिंग द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी एंड द जस्टिस रोहिणी कमीशन, क्या है भाई पूरा चीज देखते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट गिव्स द 13th द एक्सटेंशन ऑफ जस्टिस रोहिणी कमीशन गिविंग द अंटिल द जनवरी 2023 submit its reports. The initial deadline submit of the commission's report was 12 weeks and the 2nd January 2018. Other backward class को जो 27% का reservation दिया हुआ है वो social है या economy है, इस पर बात करेंगे हम। ये जो एक समिति को अपनी जो report सौंपने के लिए है दिया, जो justice रोहिणी समिति, इसको इनके time को बढ़ा दिया गया है। पहले जनवरी का 2023 तक का समय दिया है इनको, पहले जो ये पूरा हो गया था जस्टिस रोहिणी के समय के जो 13वीं बार इनका जो एक बार नहीं 13वीं बार बढ़ाया गया। अच्छे से भाई इसको एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं। केंद्र के जस्टिस रोहिणी आयोग की 13वीं जो बार टाइम बढ़ाने का कारण है कि जो इसमें टाइम लगता है हर चीज को। ये जो रोहिणी ये दिल्ली हाईकोर्ट की जो पहले जज रह चुकी हैं, इनका काम क्या है, 27% ओबीसी को आरक्षण दिया हुआ है, क्या वह जो सभी जातियों में जो ओबीसी आती है उनको जो सही लाभ मिल पा रहा है या किसी और को मिल पा रहा है या किस किस को कितना मिल रहा है। तो अब इसको सब कैटेगराइज बनाने की बात की जा रही है। इसमें जो ऐसे व्यक्ति बनाई ऐसी समिति बनाई है जो अदर बैकवर्ड के भीतर जाकर उनकी जो सामायिक कर सके, ताने बाने को जो अथवा उसके जो सामाजिक जांच कर सके कि वास्तव में जितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है उन व्यक्ति को दिया जा रहा है नहीं जा रहा है, या फिर कुछ तो ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भाई रिजर्वेशन जैसी चीज़ क्या होती है तो उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। तो इसकी तो आरक्षण जो किसी को 2% किसी को 5% मतलब तो इसको सब कैटराइज करने की बात की जा रही है कि सब अलग अलग होगा। जो जो भाई जो ज़्यादा अच्छे हैं, मान लीजिए सपोज करो जैसे जाट हो गए या मान लीजिए यादव हो गए इस तरह के जो, तो उनको जो कम कर दिया जाए और बाकी को बढ़ा दिया जाए, इस तरह की बात है। अभी कुछ इसमें फाइनल नहीं है। जो कलेक्टरेट जो कालकर समिति ने 1953 में सर्वप्रथम ओबीसी का जो आइडेंटिफाई किया था एससी एसटी के जो अलावा, ओबीसी को आरक्षण आर्टिकल जो 15 जो 4 और 16(4) और ये आपका 340A के तहत दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बता दिए मैंने जो कैसे कैसे बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो ये वैध करंट का मुद्दा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का जो 13वीं विस्तार दिया देते हुए रिपोर्ट में सौंपने के लिए 31 जनवरी 2023 का समय दिया है। सूत्रों ने कहा है कि आयोग के विस्तार की मांग के बिना यह काम कदम आने वाले के साथ जो सत्तारूढ़ भाजपा को इस बात का डर को यह धोखा देता है कि सपोर्ट राजनीति के उछाल ला सकती है। अपने ओबीसी समर्थक उधार आधार पर बनाते हुए जो प्रयासों के प्रभावित कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। इसे अन्य पिछड़ा वर्ग जो उप वर्गीकरण के साथ जो आरक्षित लाभों का जो सामान वितरण का काम सौंपा गया है। इसकी रिपोर्ट जो जमा करने की जो प्रारंभिक समय जो 12 सप्ताह थे जो 2 जनवरी 2018 तक थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, विच स्टेट इज द डिमांडिंग फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ द
जो द्रविड़ नाडु, तो कौन सा जो राज्य है वो द्रविड़ नाडु नामक राज्य की स्थापना, जो अलग राज्य की जो मांग कर रहा है, ए हमारा तमिलनाडु, बी हमारा जो महाराष्ट्र, सी हमारा जो नागालैंड, और इनमें से कोई नहीं, तो तमिलनाडु से करेक्ट आंसर है। तो न्यूज क्या है भाई, जो द्रविड़ नाडु फ्रॉम द पॉलिटिकल ओब्लिविजन ऑफ सेंट्रल स्टेट, क्या है ये समझते हैं इसको सारे। अच्छा, तमिलनाडु के जो ए राजा है, ये जिन्होंने बयान दिया है अंदर जो एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्या है द्रविड़ नाडु की मांग को लेकर हार में दक्षिण की ओर के ए राजा ने कहा है कि सरकार हमें ज्यादा परेशान ना करे, राज्य की जो स्वायत्ता जो बरकरार रखे, अन्यथा हमें से जो पेरियार के पद के चिन्हों पर चलते हुए अलग द्रविड़ नाडु की मांग करने लगेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, देखो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह, हमें जो अलग राष्ट्र मांग करने के लिए मजबूर ना करे, ये राजा डीएम के सांसद, इन्होंने बात करके। तो क्या है पूरा ये मामला तो समझेंगे, द्रविड़ जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु मतलब जो तमिल जहाँ रहते हैं एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, तो तमिल द्रविड़ के लोग भी रहते हैं तमिलनाडु में, द्रविड़ लोग भी रहते हैं। ये जो मांग भी पेरियार की है, पेरियार क्या है, द्रविड़ लोग कहते हैं कि जब देश का विभाजन हो तो पेरियार पूरे देश को है ना, उन्होंने जो इसके हिस्से में बांटना चाहते थे, उनका लक्ष्य था भारत का विभाजन जो चार भागों में हो, एक हमारा पाकिस्तान हो, एक दूसरा जो बांग्लादेश हो, फिर एक हिंदुस्तान हो और जहाँ पे हिंदू रहते हो, और एक ये पे द्रविड़ नाडु, इस तरह से। द्रविड़ क्या है, जो सतपुड़ा के जो विंध्याचल की ओर जो भारत माना जाता है उसके ऊपर के जो आर्य माना जाता है, जो ये है, जो ये जो सतपुड़ा, ये द्रविड़ नाडु, इसकी जो ये जो आर्य का माना जाता है, ये साउथ का, साउथ एशिया में श्रीलंका, ये सारी चीज़ें, अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, हमारा नेपाल हो गया, और दक्षिण भारत से रहने आने वाले के जो द्रविड़ खा गया, वो द्रविड़ अपने आप को जो मेक इन इंडिया मानते हैं एक तरह से, और जो आर्यन जो आउटसाइड से माने आए थे, तो द्रविड़ नाडु को सबसे पहले जो मांग पेरियार ने की थी, द्रविड़ का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, बड़ा आदमी। तो डीएम के एक जो पेरियार मूल्यों के ऊपर बनी हुई है, देश का जो विभाजन पहले जो जिन्ना के पेरियार के आश्वासन दिया था, जब देश का विभाजन हुआ था तो जिन्ना ने पहले इनको आश्वासन दिया था कि भाई हम तुम्हारी सहायता करेंगे, आप लोगों की स्वतंत्रता की पूरी तरह से हम कोशिश करूंगा, और जो आय पर जो इस पर जो 12% का खर्च करूंगा। लेकिन जो द्रविड़ नाडु बनाने के लिए जिन्ना 1947 में सहयोग करने से जो पलट गए, और द्रविड़ नाडु की मांग करने क्यों उठी थी, कारण था कि द्रविड़ क्षेत्रों के लोग को ब्राह्मण विरोधी माना जाता है। क्यों माना जाता है, यह जो है जानकारी पेरियार के द्वारा शुरू किए गए एक आंदोलन से निकल कर आती है। पेरियार जो क्या है, ये जातिवाद को लेकर लड़े थे, ये जो वाइकोम आंदोलन, ये इनका जो इसको समझते हैं वाइकोम आंदोलन, इसको समझ लिया तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, ये वाइकोम आंदोलन। तो ये द्रविड़, ये दक्षिण का जो आंदोलन जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ पेरियार के नाम से, पेरियार जो रामस्वामी था, इनका नाम पेरियार रामस्वामी, इनका जन्म जो सितंबर 1887 में हुआ था, जन्म के बाद जो भारत भ्रमण पर निकले और जो काशी पहुंच गए 1904 में, जो अपना जो हुलिया बाल दाढ़ी और इस तरह से बनाया हुआ था, जैसे इसमें दिखाया गया ये इस तरह से था इनका जो स्थिति, अब ये खूब जो भूख से पीड़ित होकर जो किसी जो लंगर चल रहा था उसमें खाने लगे, तो उस लंगर में जो ब्राह्मण को भोजन ही दिया जाता था, बाकी को भोजन नहीं कराया जाता था। तो ये जो ब्राह्मण का भोज जो भेद बनाकर इस तरह से भीड़ में खाना चाह रहे थे, लेकिन जो वहाँ पर खड़े गाड़ने ने पहचान लिया और इन्हें बाहर निकाल दिया। इन्होंने बाहर जो अब निकालने की भूख तो लगती है, अब इन्होंने बाहर जो फेंकी हुई जो झूठी पत्तल थी, जो प्लेटी थी, उनसे जो खाना खाया और संकल्प लिया कि आज मैं ब्राह्मणवाद को जो मानूंगा नहीं आज के बाद, और जो जिस ईश्वर ने जो कास्ट बनाई है उस पर धर्म के नाम को मैं त्याग देता हूँ। फिर जो नास्तिक हो गए पूरी तरह से, और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने जो वापस तमिलनाडु की यात्रा की, और दलितों को इन्होंने एक करना स्टार्ट किया। इन्होंने दक्षिण भारत का जो वाइकोम सत्याग्रह चलाया, और 1919 में गांधी जी के साथ विचारों के काफ़ी प्रभावित हुए दक्षिण भारत से, ये जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष भी रहे, और 1924 में तमिलनाडु के जो अंदर प्रवेश आंदोलन किया इन्होंने, जो वाइकोम आंदोलन के, जिसे वाइकोम आंदोलन कहते हैं। अच्छा, खासियत क्या है, वाइकोम उस क्षेत्र को आसपास की ऐसी जगह से जहाँ पर जो ब्राह्मणों को जो एंट्री जो अलाउड थी, दलितों की एंट्री अलाउ नहीं थी वहाँ पे, तो वाइकोम इसकी ऐसी थी भाई स्थिति। आम सड़कों पर जो ये चलना दलितों को मनाता वहाँ पे, जो किमी सड़कों पर भी नहीं चल सकते यहाँ पे, इन्होंने जनमानस को एक करके मंदिर में प्रवेश करके जस्टिस पार्टी का जो एक सहयोग मिला, इन्होंने जो 1925 में कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया, इसलिए इनके अनुसार जो द्रविड़ नाडु दलितों की जगह है उन पे अधिकार होगा करना है। इन्होंने जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि को जो
मिलाने का जो प्रयास किया, ये सारी चीजें हैं। तो उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपको थोड़ा समझ में आता है तो भाई देखो सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और उनके पास भी। तो ये इनके नाम का देखो, इनके नाम का जो डाक टिकट भी जारी हुआ, बहुत अच्छे वो थे। खैर 1963 में डीएम के द्वारा इस विचार को छोड़ने के लिए 55 साल बाद एक द्रविड़ नाडु की मांग चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि ये विचार कुछ समय के लिए हवा में था, खासकर जो अभिनेता कमल हासन ने जो रन आपके जो पहले ही सिद्धांत की मांग करने की थी, उनकी जो पार्टी के जो शुरुआत जो द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष जो एम के स्टालिन के खुद मुद्दे के सामने आया, जब उन्होंने मांग के समर्थन में कथित रूप से प्राप्ति करने के लिए प्रश्न उत्तर दिया। स्टालिन के बाद जो तर्क दिया कि भाजपा सरकार द्वारा जो जो दक्षिण राज्यों की जो अपेक्षा वास्तव में इस विचार पर हवा थी। बाद में यह पूछने लगी कि उनको द्रमुक स्थापक जो सीवी अन्नोरमाई का जो प्रसिद्ध कथन है जो द्रविड़ नाडू के समर्थन के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत चीन और जो पाकिस्तान के विरोध के बाद किस राज्य में केंद्र शासित में G20 कार्यक्रम का योजना बना रहा है? ए लद्दाख हमारा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, सी हमारा जो उत्तराखंड, डी हमारा जो पांडुचेरी। तो लद्दाख इज द करेक्ट आंसर है। तो इंडिया प्लान्स टू द G20 इवेंट्स ऑफ लद्दाख आफ्टर द पोस्टेड द चाइना एंड द पाकिस्तान। तो ये डिफरेंट न्यूज पेपर ने कवर किया है। तो ये जो एक प्लान द G20 इवेंट्स विल लद्दाख टू आफ्टर द प्रोटेस्ट द चाइना एंड द पाकिस्तान, ये भाई पाकिस्तान तो इसका विरोध नहीं कर सकता, लेकिन ये जो इसके विरोध कर रहे हैं, क्यों चाइना विरोध कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे भाई एक पहले से ही जो आप जो एक तरह से विवादित क्षेत्र है उसमें इस तरह की जो वो करना G20 की वो सही नहीं है, बैठक करना इनका बोलना है ये है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में जो गणितज्ञ जो मेरीना जो वीओ जिसका ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है, वह किस देश की है? ए यूक्रेन, बी हमारा जापान, सी हमारा अमेरिका, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यूक्रेन इज द करेक्ट आंसर है। तो यूक्रेन की है भाई ये, इन्होंने ये जो यूक्रेन गणित की जो प्रोफेसर मेरीना विया जोस्का जिन्होंने जो शीर्ष गणित पुरस्कार जीता फील्ड्स मेडल 2022 मोनेस्का जो मोस्को के युद्ध के जवाब में जो समारोह में जो सेंट पीटर्सबर्ग की जो फिशनिस राजधानी के लिए स्थानांतरित किए जाने के बाद जो जो वाइजेस्का के तीन अन्य गणितज्ञों ने हिनेस्की के फील्ड जो फील्ड्स मेडल प्राप्त किया और जिसे गणित के रूप में नोबेल पुरस्कार जीता गया। फील्ड्स मेडल पुरस्कार एक स्वर्ण पदक जो 24 कैरेट जो 14 कैरेट का स्वर्ण शामिल होता है जिसमें जो आइफनीज के प्रोफेसर की एक नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट है जो 20 चुनोरिस दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, ए हमारा 6 जुलाई को, बी हमारा जो 5 जुलाई को, सी हमारा जो 4 जुलाई को, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो 6 जुलाई इज द करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड जूनिस डे। तो ये 6 को इन्फ्लुएंजा इबोला और जो वेस्ट जो नाइल जो वायरस जैसी जो जो जूनोटिक बीमारियों के खिलाफ जो पहले टीकाकरण के उपलक्ष्य में जो 6 जुलाई को विश्व प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है जूनोटिक रोग जो है जिसमें जो परजीवी बैक्टीरिया कवक का कारण होते हैं, यह रोगाणु जो है लोगों और जानवरों कई प्रकार की बीमारियों को जन्म दे सकता है, गंभीरता से लें और जो कुछ की मौत के कारण बन सकता है। मनुष्य के विपरीत इसमें अक्सर ऐसे रोगाणु लेकर जाते हैं जो स्थायी रूप स्वस्थ रूप दिखाई दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए IGSS वेंचर्स ने किस राज्य सरकार के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? ये हमारा तमिलनाडु, बी हमारा पंजाब, सी हमारा जो है ओडिशा, और डी हमारा नन ऑफ अबाउ। तो इसमें जो हमारा आ जाएगा तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर है। तो सिंगापुर बेस्ड ऑफ द IGSS साइंड ऑफ MOU द सेट 300 एक्रेस द सेमीकंडक्टर पार्क फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एम के स्टालिन ने एक समझौता ज्ञापन पर जो तमिलनाडु के सिंगापुर स्थित जो मैसर्स के हस्ताक्षर किए और जो ISS वेंचर्स जो PVT लिमिटेड राज्य ने 25,600 करोड़ रुपए के निवेश के अनुदान के साथ जो 300 एकड़ सेमीकंडक्टर हाई टेक जो पार्क बनाएगा। तो विचार लिए कि जो आयोजित समारोह में जो उद्योग मंत्री जो थंगम थेनारासु जो मुख्य सचिव ईरान अंबू और शीर्ष अधिकारी थे और एक आधिकारिक प्रेस में विज्ञप्ति के अनुसार अगले 5 वर्षों में इस परियोजना में सीधे 5,000 से अधिक व्यक्ति को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, PM मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये हमारा जो इसमें जाए गांधीनगर, बी हमारा जयपुर, सी हमारा डिब्रूगढ़, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गांधीनगर इज द करेक्ट आंसर है। PM मोदी हिल्स द डिजिटल इंडिया सेज द हेल्प टू द सेव 2.521 लाख जो करोड़ फ्रॉम द फेलिंग ऑफ द रॉन्ग हेड्स। तो ये है नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं गुजरात में जो गांधीनगर में
महात्मा मंदिर के लिए डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। इस डिजिटल इंडिया वीक का विषय जो डिजिटल के रूप में सशक्त समाज और जो ज्ञान व्यवस्था को बदलने के लिए नए भारत की संगठन को जो तकनीक को उत्प्रेरित करना है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 7 जुलाई को 3 दिवसीय लंबा जो अभिविन्यास कार्यक्रम इंडिया और जो नॉलेज एक्सचेंज जो शोकेसिंग्स इंडिया स्टैक ऑफ द इंडिया डिजिटल प्रोडक्ट के लिए शुरू भी करेगा। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने जो ऑटोमनस जो एयरक्राफ्ट के जो मेड इन टेक ऑफ जो सफल परीक्षण किया है, ए हमारा DRDO, बी हमारा इसरो, सी हमारा बेल और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें DRDO इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो इस साल के जो केंद्रीय बजट के अनुसार घरेलू रक्षा खरीद के लिए 70,221 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, जो यह रक्षा पूंजी के बजट के लिए 63% है। अच्छा, DRDO की स्थापना जो 1958 में हेडक्वार्टर जो DRDO भवन में, और जो मिनिस्टर जो रेस्पॉन्सिबल है राजनाथ सिंह और डिफेंस मिनिस्टर, ये DRDO बलत सिंह ओलम विज्ञान में इसका अध्यवाक्य है। ये डिफेंस जो रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एयरनोटिकल टेस्ट रेंज से ऑटोनमस फ्लाइंग विंग्स टेक्नोलॉजी जो डिमॉन्स्ट्रेटर की जो पहली उड़ान के लिए सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। उड़ान पूरी तरह से स्वायत्त मोड में चलती जो संचालित हुई, विमान के एक जो संपूर्ण उड़ान का प्रदर्शन किया और जो टेक ऑफ जो फ्लाइंग नेगेटिवेशन और ये जो आसान टच डाउन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो अवीना इंडिया के जो किससे अपना जो नया CEO के रूप में MD का रूप में नियुक्त किया गया, ए हमारा असित रथ, जी हमारा जो जय मित्तल और सी हमारा जो अजय राजशेखर और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो असित रथ इज द करेक्ट आंसर है। तो अवीना इंडिया अपॉइंटेड एज द असित रथ और द CEO एंड MD। अवीना इंडिया जो असित रथ के लिए मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, 10 साल बाद जो कारोबार छोड़ रहे अमित मलिक के स्थान लेंगे। नियुक्ति जो 11 जुलाई से प्रभावी होगी। वर्तमान में प्रोड्यूसर्स म्यांमार लाइफ इंश्योरेंस के CEO और रथ म्यांमार भारत और म्यांमार के 2200 बैंकिंग और बीमा अनुभव के साथ आते हैं। भारत के लिए ICICI बैंक और जो ICICI जो प्रोड्यूशियल लाइफ के साथ जो मजबूत वितरण अनुभव रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस जयशंकर किस देश के जो आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे, ए हमारा जो इंडोनेशिया, बी हमारा जापान, सी हमारा चाइना, सी डी हमारा नन ऑफ अबाउ। तो इसमें इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर है। तो जयशंकर टू विजिट द इंडोनेशिया 2 जुलाई 2007। तो ये हमारा जो G20 जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, तो ये जैसे उनकी G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक जो, तो ये हमारा जो इंडोनेशिया में बाली में होगी, इसमें विदेश मंत्री के जयशंकर भाग लेंगे। विदेश मंत्री के लिए बयान के अनुसार बैठक में विदेश मंत्री जो वर्तमान में प्रासंगिकता विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाना है, वर्तमान जो वैश्विक चिंताओं को खाद और जो ऊर्जा का सुरक्षा। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री G20 और अन्य देशों के आमंत्रित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ जो औपचारिक रूप से मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 में करवाने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो ए हमारा उड़ीसा, बी हमारा राजस्थान, सी हमारा मध्य प्रदेश, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा टू ऑफ द स्टेट्स ऑफ रैंकिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये है राशन की दुकानों पर माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए क्रियान्वयन करने के लिए उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश फिर आंध्र प्रदेश है। और जो केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामलों के पीयूष गोयल मंत्री जो पीयूष गोयल ने खाद्य सुरक्षा और जो पोषण सुरक्षा पर राज्यों के लिए मंत्रियों के लिए सम्मेलन के दौरान जो NAFF के लिए ये राज्य रैंकिंग सूची सूचकांक 2022 जारी किया है। सरकार की रैंकिंग के अनुसार उड़ीसा 0.836 स्कोर के साथ जो पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जो 0.79 जो पे दूसरे, फिर जो थर्ड पे जो है आंध्र प्रदेश 0.794 स्थान पर है। सूचकांक का जो वर्तमान जो संस्करण जो IMF क्रियान्वयन के लिए प्रभावशीलता के कारण जो TPDS लक्षित जो सार्वजनिक रूप से वितरण प्रणाली के संचालित करने के लिए मध्यपालन माध्यम से मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी किस जो स्वतंत्रता सेनानी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, ए हमारा अल्लूरी जो सीतारमन राजू, बी हमारा जो है अब्दुल गफ्फार खान, बी सी हमारा जो बिरसा मुंडा, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो अल्लूरी जो सीतारमन राजू इज द करेक्ट आंसर है। PM मोदी इज द अनवील्स ऑफ द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द फ्रीडम फाइटर जो अल्लूरी सीतारमन राजू, ये देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सेनानी 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में जो भीम भ्रम के अल्लूरी सीताराम
जो राजों की फीट 30 फीट की ऊंची काश्य मूर्ति का अनावरण किया। अल्लारू जो सीतारमण की 125वीं जयंती जो रमप्पा क्रांति 100 साल पूरे होने के साथ साथ जो आजादी के 75 साल पूरी होने की जो मनाई गई है जाएगी। जय जो राजू खुद जो आदिवासी नहीं थे लेकिन जो डॉक्टर अतुल के अनुसार उनकी जो महानता और क्षमता के पूर्व जो विभिन्न पृष्ठभूमि से लोगों को जो उपनिषदों के विरोध और जो उद्देश्य के साथ साथ निहित होती है। नेक्स्ट है जो CBSE के बोर्ड के प्रश्नों जो परीक्षा परिणामों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। ए हमारा जो परीक्षा संगम, बी हमारा जो परीक्षा मंथन, सी हमारा जो है परीक्षा जो समागम और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा संगम इज द करेक्ट आंसर है। CBI लॉन्चेस द परीक्षा संगम पोर्टल्स द एड्स टू द 10th क्लास 10th और 12th बोर्ड्स जो रिजल्ट के लिए उसके लिए 10th और 12th के बोर्ड का रिजल्ट जो है उसको व्यवस्थित करने के लिए ये संगम जो परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है CBSE ने। ये देख सकते हैं तो CBSE बोर्ड ने एक ही विंडो में परीक्षा परिणाम जो नमूना पत्र और अन्य जो विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो है CBSEdigitaleducation.com के अनुसार जो यह नया लॉन्च किया गया है परीक्षा संगम पोर्टल स्कूल के क्षेत्रीय कार्यालयों CBSE बोर्ड मुख्यालय और जिले आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जो संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा। परीक्षा संगम पोर्टल जो क्लास 10th क्लास 12th और CBSE का बोर्ड को 2000 में सभी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करेगा। भाई देखो इंपॉर्टेंस डेट में आ जाएगा जो 7 जुलाई है जो ग्लोबल जो फॉग न्यूज डे हो जाएगा और वर्ल्ड चॉकलेट डे भी हो जाएगा। यदि देखो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई एक नेक्स्ट